वैसे तो सियासत में न कोई पक्का दोस्त होता है, न कोई पक्का दुश्मन होता है, लेकिन कई बार कुछ दुश्मनियां सियासत के सूत्र से बड़ी हो जाती हैं। 10 साल पहले जो अमित शाह के साथ हुआ था, आज वही पी चिदंबरम के साथ हो रहा है। बस भूमिकाओं की अदला बदली हो गई है, इसीलिए सब सोच रहे हैं कि क्या अमित शाह ने पी चिदंबरम से बदला लिया है, क्योंकि ये वही पी चिदंबरम है जिनके गृह मंत्री रहते हुए एक दशक पहले अमित शाह के साथ भी सब कुछ इसी तरह हुआ था। ये 10 साल पुरानी बात है, जब पी चिदंबरम यूपीए सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे, तब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियां इसी तरह अमित शाह के पीछे पड़ गई थी। अब समय का चक्र घूमा है, अब वही अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं जिनको कभी सीबीआई ने पी चिदंबरम के केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए जेल भेजा था, और अब वही सीबीआई है जो अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद अपने पूर्व बॉस को जेल में डालने के लिए तैयार है। जिस सीबीआई को कभी कांग्रेस का तोता कहा जाता था, उसी सीबीआई को अमित शाह ने बाज बनाकर पी चिदंबरम का शिकार करने के लिए छोड़ दिया है। ये परिस्थितियां देखकर 2012 का वो वाक्या याद आता है जब अमित शाह ने एक शेर के जरिए ये बता दिया था कि वो इस वार को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ये अब सच साबित होता दिख रहा है। पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी आरोप फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देयर इज अ वाइड स्प्रेड इंप्रेशन दैट ग्रेव ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड एंड माय सन एंड आई हैव कमिटेड दोज ऑफेंसेस। नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। दीज आर लाइज स्प्रेड बाय पैथोलॉजिकल लायर्स। कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा है। देयर इज नो चार्ज शीट फाइल्ड बाय आइदर द सीबीआई और द ईडी बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम से ये मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का वो बदला कहा जा रहा है जिसे चुकता करने के लिए अमित शाह ने 10 साल का लंबा इंतजार किया। पी चिदंबरम का लापता होना, फिर अचानक मीडिया के सामने आना और सीबीआई की गिरफ्त में पहुंच जाना, चिदंबरम को आज वो दिन याद आ रहा होगा जब 2010 में उनके गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने भी वही सब भुगता था जो आज चिदंबरम को खुद भुगतना पड़ रहा है। 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह पर गिरफ्तारी की तलवार वैसे ही लटकी हुई थी जैसे कल तक पी चिदंबरम पर लटकी हुई थी। उस समय अमित शाह भी गिरफ्तारी से बचने के लिए वैसे ही गायब हो गए थे जैसे पी चिदंबरम हो गए। उस वक्त बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बचाव में वैसे ही उतर आए थे जैसे आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पी चिदंबरम के बचाव में उतर आए। श्री अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन पर लगाए गए सारी बातें फैब्रिकेटेड हैं, राजनीति करने के हिस्से से किया गया है। आज फिर एक बार उसका बदला लेने का ये प्रयास, यानी अमित शाह जी को सरकार को घेरने के प्रयास का हिस्सा है। राजीव गांधी 1984 में बेमिसाल बहुमत में जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल भय का माहौल बनाने और धराने दमकाने के लिए नहीं किया। संस्थानों की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए नहीं किया। असहमति और मुख्तलिफ नजरियों को कुचलने के लिए नहीं किया। करीब 3-4 दिन लापता रहने के बाद तब अमित शाह भी ठीक वैसे ही अचानक मीडिया के सामने आए थे जैसे कल पी चिदंबरम कांग्रेस दफ्तर में प्रकट हो गए। गिरफ्तारी के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर वैसे ही बदले की कार्रवाई के आरोप लगाए थे जैसे आज पी चिदंबरम मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं
वो सभी के सभी आरोप फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा है। जब यह चार्जशीट न्याय की अदालत में चर्चा में आएगा, मुझे विश्वास है इसमें से एक भी आरोप सच नहीं निकलेगा। इन द आईएनएक्स मीडिया केस आई हैव नॉट बीन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस नॉर इज एनीवन एल्स इंक्लूडिंग एनी मेंबर ऑफ माय फैमिली बीन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। इन फैक्ट देयर इज नो चार्जशीट फाइल्ड बाय आइदर द सीबीआई और द ईडी बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। 2010 में अमित शाह को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, जैसे बुधवार को पी चिदम्बरम गिरफ्तार किए गए। हालांकि तब अमित शाह की गिरफ्तारी इतनी नाटकीय नहीं रही थी जैसी नाटकबाजी पी चिदम्बरम के घर पर बुधवार की रात हुई। वैसे तब भी बीजेपी के समर्थकों ने अमित शाह की गिरफ्तारी का विरोध किया था, जैसे पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। गिरफ्तारी के बाद अमित शाह से भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की थी, जैसे आज पी चिदम्बरम से हुई। वैसे ही अमित शाह की कोर्ट में पेशी हुई थी, जैसे आज पी चिदम्बरम की हुई, जहां से आज पी चिदम्बरम को सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया। पी चिदम्बरम के केस में आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, ये आगे पता चलेगा। लेकिन 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह 3 महीने तक सलाखों के पीछे रहे। 29 अक्टूबर 2010 को गुजरात की हाईकोर्ट ने अमित शाह को सशर्त बेल दी और शाह को 2 साल तक गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह 2012 तक गुजरात के बाहर ही रहे, लेकिन 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात जाने की इजाजत दे दी। 2012 में जब अमित शाह 2 साल बाद गुजरात वापस लौटे, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एक हीरो की तरह फूल बरसाकर किया था। तब अमित शाह ने एक शेर बोलकर अपने इरादे जता दिए थे, मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। क्या कांग्रेस को अंत करवाने की कोई क्षमता, कोई एक राज्य में हो तो गुजरात में छे, अने कांग्रेस को अंत करवाने की क्षमता कोई एक व्यक्ति में हो तो नरेंद्र मोदी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में 3 महीने की जेल काटने, 2 साल गुजरात से बाहर गुजारने और 5 साल कोर्ट केस लगने के बाद अमित शाह 2015 में अदालत से पाक साफ होकर निकल आए और आज वो उसी पद पर विराजमान है जिस पर कभी पी चिदम्बरम हुआ करते थे। समय का चक्र घूम चुका है और अब वक्त वैसे ही अमित शाह के साथ है जैसे 10 साल पहले चिदम्बरम के साथ था। वजीर अब मोहरा बन चुका है और मोहरा वजीर बनकर शतरंज के नियम तय कर रहा है। अमित शाह बिना कुछ बोले बता रहे हैं कि वो किसी का उधार बाकी नहीं रखते।